नमस्ते, मैं हरिंदर सिंह बालिया मुद्दे की गल प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत करता हाँ। जिस तरह की तुहानू पता ही है कि असी कोई ना कोई मुद्दा लैके तुहाडे सामने हाजिर हुंदे हाँ और उस मुद्दे बारे लोगों के विचार, सरकार के विचार ते कुछ असी अपने विचार भी तुहाडे नाल सांझे करते हाँ। अज असी जिहड़ा मुद्दा लैके आए हाँ वह बड़ा गंभीर है, मुद्दा है छींक मारना, रुक जाना, बिल्ली रास्ता काट गई, वो हो गया, ये चीजें भी देखने में आई है। ये एक सवाल है कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ ऐसे इसका क्या करना चाहिए। दूसरी चीजें ये भी देखने में आई है कि लोगों को कई दफा कुछ लोग जो है जैसे नींबू को काटते हैं, नींबू काटेंगे उसमें से खून निकलेगा, ये पत्ता है इसके ऊपर कोई ये चीज आकृति बन गई, ऐसी चीजें दिखाते हैं, तो वो क्या है और उसका क्या किया जा सकता है और आप इस बारे में क्या कहें? वालिया साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो लोगों का सवाल है कि बहुत सारे तांत्रिक ऐसा करते हैं कि नींबू काटते हैं, वो कहते हैं कि अगर नींबू से खून निकला तो समझ लेना कि आपके घर में बहुत बुरी घटना वापरने वाली है, अगर साफ निकला तो आप ठीक हो जाओगे, ठीक रहोगे। वो कैसे रंग लाल होता है इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि केमिकल लगा होता है, जो जिस छुरी से वो नींबू काटते हैं उसके ऊपर एक केमिकल लगा होता है, जब वो नींबू से मिलता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। ये सब कुछ आप भी कर सकते हो, आपने आप लोगों ने बच्चों ने बहुत सारे जादू के ट्रिक्स सीखे होते हैं, जादूगर करते हैं, जब तक वो जादू का पता नहीं चलता तब तक वो जादू है। जब वो जादू का पता चल जाए कि रुमाल में एक तीली रखी थी वो हमने तोड़ी थी लेकिन वो साबित कैसे हो गई, वो पूरी कैसे निकल आई, जब तक नहीं पता चलता तब तक वो हमारे लिए जादू है। जब हमें पता चल जाता है वो हमारे लिए एक खेल बन जाता है। जादू और खेल में जो फर्क है इसका नजायज फायदा उठाते हैं हमारे जो तांत्रिक हैं। हम सभी लोगों को ये बेनती करना चाहेंगे कि आप ऐसे जो चमत्कार होते हैं उनके पीछे का कारण जरूर देखें, जो साइंटिफिक है उनसे बात, साइंटिस्ट हैं वो उनसे बात करें, कुछ साइंस के टीचर्स हैं वो भी आपको काफ़ी कुछ इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जहाँ तक बात है बिल्ली रास्ता काट जाती है, छींक आती है, अब बिल्ली रास्ता काट गई है भाई उनके लिए कुछ स्पेशल रास्ते तो बने नहीं हैं, उन्हीं रास्तों से जाना है जिस रास्ते से हमने जाना है। लेकिन आप देखो कितना बड़ा नुकसान होता है कि आप बिल्ली को देख के एक दो चार मिनट के लिए रुक जाते हो, किसी ने छींक मार दी तो आप दो चार मिनट के लिए रुक जाते हो, आप किसी अफसर को मिलने जा रहे हो वो एक मिनट हो सकता है कि उसी एक मिनट में वो अपनी सीट से उठकर गया हो, आप गाड़ी पे जाना है तो एक मिनट के लिए मिनट से गाड़ी निकल सकती है, बस निकल सकती है, आपकी ज़िंदगी कितनी पीछे चली जाती है। सो ऐसे छींक मारने से या बिल्ली के रास्ता काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब अंधविश्वास फैलाए हुए हैं ढोंगी लोगों ने, इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। सो अज दा ये मुद्दा असी तुहाडे नाल डिस्कस किया और आने वाले टाइम दे विच असी तुहाडे सामने एक होर मुद्दा लैके हाजिर होवांगे। तब तक दे लई सानू दिओ इजाजत।